बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का आगमन आज बोधगया में हो गया है। दिल्ली से विशेष चार्टर्ड विमान से गया एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें बोधगया लाया गया। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध मोनेस्ट्री में ठहरे हुए हैं और एक महीने के प्रवास पर बोधगया में रहेंगे। इस दौरान 3 दिनों तक टीचिंग का कार्यक्रम भी आयोजन किया गया है। 29, 30 और 31 दिसंबर को काल चक्र मैदान में टीचिंग किया जाएगा, जिससे सुनने के लिए कई देशों के हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। करीब 2000 से भी अधिक अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोग संपर्क में हैं और उनके जो भी जरूरत है हम लोग पूरा कर रहे हैं। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। इतिहास में जो पूर्व में जो घटनाएं हुई उसको भी नजर में रखते हुए कई सारे इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो CCTV हो, चाहे बाहरी बल की प्रतिनिधि हो, चाहे मोर्चा और वॉच टावर की इंतजाम हो, वीडियोग्राफी हो, और अतिक्रमण व्यापक पैमाने पर हटाया गया है। आसपास एरिया में लाइट की व्यवस्था कराई गई है। स्वास्थ्य केंद्र का भी मैंने निरीक्षण किया, वहां पर विशेष ICU का फैसिलिटी इनके लिए किया गया है। और जो बढ़ते यानी जो कोविड की जो आशंका है उसको देखते हुए हम लोग अलग आइसोलेशन फैसिलिटी को भी एक स्थापित करके प्रिकॉशन के तौर पर, अभी वैसा कोई स्थिति नहीं है, फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर एक कोविड का आइसोलेशन फैसिलिटी भी स्थापित करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, ITI, NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।